नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारी फर्स्ट दिन की जो मक्के थी 12 जून की बोनी थी उसमें आज 30 जून है और स्प्रे चल रहा है। 18 दिन की फसल हो चुकी है और दिखाते हैं हम आपको किस तरीके से स्प्रे हो रहा है, कौन कौन सी दवा का उपयोग कर रहे हैं, जैसे और किसान भाइयों को भी मदद मिले कि कौन सी दवा का उपयोग सही टाइम में करना चाहिए। ये देख सकते हैं, ये दीदी ने अभी जेटेंजर दवा लेकर आई हैं और इसके ये पैकेट भी देख सकते हैं, ये फ्लेक्स का पैकेट है और दीदी ने इसमें बाल्टी में घोल लिया है और ये इसका चिपको भी है और साथ में दीदी कर रही हैं उपयोग इल्ली मार दवा का, क्योंकि अभी इल्लियों का प्रकोप होने लगा है और अभी इल्लियाँ भी देखे हमने अभी और देख सकते हैं पौधे भी खाना स्टार्ट कर दिया है। ये देख सकते हैं पौधे भी खा लिया है इल्लियों ने, अभी हमने देखा था इसमें और देखिए अभी ये हीमोवैक्टिन का ही है ये प्रोडक्ट 5% SG वाला। और ये अंकल ये अभी छींच रहे हैं दवा, खरपतवार भी काफ़ी उग गई है अभी इस बार इसमें। दीदी कितने ml दवा डाल रहे हैं इसमें एक पंप में लगभग? टेंजर का तो हमने 15 ग्लास में बनाए हैं इसका घोल टेंजर का, और क्या कहते हैं 5 ग्राम डाल रहे हैं हीमोवैक्टिन 5 ग्राम और 50 ml चिपको। जी देखिए दीदी ने पूरा डोज बता दिया है, क्योंकि बहुत अच्छे से खेती करती हैं दीदी और इनके पहले भी वीडियो बनाए हमने, काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलता है। आप भी देख सकते हैं पूरा 1 लीटर का घोल बन गया है, तो फिर ये एक डब्बा एक पंप में डाल देते हैं तो पूरा घोल कंप्लीट हो जाएगा। और किसान भाइयों थोड़ी नमी रहती है, कल ही बारिश हुई है और अभी सुबह ही बारिश हुई है, तो बारिश होने के बाद ही दवा का उपयोग करना चाहिए। और दीदी इसमें थोड़ा थोड़ा लगभग 500 ग्राम यूरिया का भी उपयोग कर रही हैं, देखिए एक मुट्ठी डाल दी है अभी 50 ग्राम समझ सकते हैं। ये चिपको घोल कर डाल दिया है, पानी डाल देंगे फिर ये दवा डाल देंगे अभी। अब दवाई डाल दो बीच में फिर सही रहे। कम डालो थोड़ी। अरे इसको अच्छे से घोल लेता है, दिक्कत नहीं आ रही। तो जब आलू डाले दो दीदी पहले तभी तो मैंने अच्छे से दवाई डालो, पूरा पानी डालो पहले। देखिए दोस्तों अभी यूरिया दवाई चिपको सब इल्ली मार दवा अभी रह गई है, डाल दी के 5 ग्राम। ठीक है, इसी तरीके से अब स्प्रे कंटिन्यू चलते रहेगा। घोरा में डालना होने का